हेलो बच्चों, हाउ आर यू। अच्छा बच्चों, आपको घर में रहना है और घर से बाहर नहीं जाना, और घर में पढ़ना भी है, स्लेट पर प्रैक्टिस करनी है और वीडियोस को देखकर पढ़ाई करनी है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आज हम करेंगे इंग्लिश में मैच, ठीक है। आप ही देखो, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी लिखे हैं और पिक्चर भी है। हमें अल्फ़ाबेट को पिक्चर के साथ मैच करना है और पिक्चर को अल्फ़ाबेट के साथ मैच करना है, ठीक है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ए है। ए से कौन सी पिक्चर मैच हो रही है बच्चों? ए से एप्पल होता है ना, तो हमने ए फॉर एप्पल को मैच किया, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? डॉग, ठीक है। डॉग से स्टार्ट होता है डी से, तो डी कहाँ पर है? डी को ढूंढो, ठीक है। आपको मैच करना है, आपको पहचान है ना कि ये डी और डॉग है, तो डी कहाँ है हमारा? ये रहा, हमने इसके साथ मैच किया, ठीक है। आप आपको देखना है ये कार है, कार तो सी से स्टार्ट होती है, तो हमारा सी कहाँ है? ये किसके साथ मैच हो रही है? सी के साथ मैच हो रही है पिक्चर, तो सी फॉर कार, ठीक है। अब हमारा ये क्या है? एलिफेंट। एलिफेंट किस से स्टार्ट होता है, किस लेटर से? ई से, ठीक है। ई हमारा ये रहा, तो ये इसके साथ ही मैच हो रहा है ना, आपको पिक्चर देखकर अल्फाबेट भी पहचान हो जाती है। देखो, ई फॉर एलिफेंट, ठीक है। अब है ये क्या है? बी। बी फॉर क्या होता है? बॉल होता है, तो यहाँ पर बॉल ये रही, बी फॉर बॉल, ठीक है। अच्छा है ना, समझ में आया? ए फॉर एप्पल हो गया, ठीक है। सी, बी फॉर बॉल हो गई, सी फॉर कार हो गई, डी फॉर डॉग हो गया। आपको जो पिक्चर देखी आपने, उसका अल्फाबेट लेटर आपको पहचान में आ गया, और जो लेटर आपने देखा उससे पिक्चर को आपने मैच किया। ऐसे ही करते हैं ना आप, तो आपको पहचान जरूरी है। आप ऐसे ही अपने घर में जो बुक है आपकी इंग्लिश की, उसमें पिक्चर देखा करो और उनके लेटर्स के साथ मैच किया करो, ठीक है। पहचानना जरूरी है। ओके बच्चों, अच्छा लगा आपको? ओके।